छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है ना, वो तो है ही मिसनी। तू भी इसके साथ मिल गया, कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही ख्याल कर ले। बेगुनाह यूं एतराफ नहीं करते, और तुमने सबके सामने तस्लीम किया है अपना गुनाह। तो क्या करता, तुम्हारा भाई मुझे कत्ल कर देता। अदनान भाई के सर पे तो खून सवार था, उस तैमीना ने उनके कान जो भर दिए थे मेरे खिलाफ। वो क्यों भरेगी उसके कान? कितनी बेवकूफ हो तुम, मैंने उसका पोल जो खोल दिया था उसने बदला ले लिया। तू यहां क्या कर रहा है हा? अम्मा इसे कहो यहां से चला जाए। क्या बकवास कर रहा है तू, चल जा अपना काम कर। अरे जा अंदर। जिशान भाई आप होश में तो हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? होश में हूं इसलिए जुबानी बात कर रहा हूं, अगर हाथ से बात की ना तो धक्के दे के घर से निकालूंगा इसे। अम्मी जान इससे कहें कि आराम से बात करे, तमीज से बात करे मेरे साथ, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। अरे क्या कर दूंगा, तू मेरा मुंह तोड़ेगा। कान खोल के सुन लो, अब ये शख्स इस घर में कदम ना रखे, बता रहा हूँ तुम सबको मैं। अरे बेनोई है तेरा? नहीं है बेनोई। तेरी बहन का मियां है, घर बिठा देगा उसको। क्या बेटे मुझे मिले, आए मैं मर गई। अब क्या होगा? अरे बस कर, तू तो चुप कर। जान अजाब में आ गई है मेरी, इधर आ। चल बस चुप, समझाऊंगी मैं इसे, बस कर। हाय तौबा, उसका फोन नहीं आने वाला, रख दे इसको जेब में। नहीं यार, मेरा दिल कहता है कि वो मुझे फोन जरूर करेगी। पागल हो गया, देख रहे थे वो कितनी खुश थी अदनान के साथ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस 42 साला बुड्ढे अदनान के अंदर ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है। वो शौहर है उसका, और मैं आशिक, और वो भी सिर्फ नाम का। वो निकाह में है यार उसके, क्या रिश्ता किया तेरा उसके साथ बता? वही जो जिस्म का रूह के साथ होता है। यार ये फिल्मी डायलॉग मत मार, क्यों यार, क्यों उसकी पुरसकून जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ, भूल जा उसे। तू मेरे दिल की कैफियत नहीं समझ सकता यार, तू नहीं समझ सकता कि जब बिन खिता की आपको सजा मिलती है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। मैं ऐसे यकीन दिलाना चाहता कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया बिल्कुल गलत था, ज्यादती की है उसने मेरे साथ। अच्छा अगर कोई अल्फाज बोल भी दे तो तुझे क्या मिलेगा इससे? मैं हेलो। आज तुमने मेरा पीछा करके और मुझे बीच चौराहे में नंबर देकर बहुत गलत हरकत की है। तो क्या करता मैं, दिल के हाथों मजबूर हो गया था मैं। तुमने मुझे जिस अजाब में डाला है वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं तैमीना, पर सिर्फ एक बार मुझे ये बता दो कि मेरा कसूर क्या है। देखो फकर, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए बेहतर है कि आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और अदनान के अलावा किसी और के बारे में सोचना गुनाह समझती हूँ। और मैं, मेरा प्यार, मेरा फर्ज? नहीं थैंक, तुम इतनी संदिग्ध नहीं हो सकते, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। तुम मजाक कर रही हो ना,
खुशफहमी का शिकार हो तुम। मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती तहमीना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम होश में तो हो तहमीना। दीवानेपन का शिकार तुम हो, मैं नहीं मिस्टर फखर। और अगर ये बात मैंने अदनान को बता दी तो तुम्हें गोली मार देंगे, समझे? क्या? इसीलिए बेटा कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि मैं अदनान से बहुत प्यार करती हूँ। तहमीना तो क्या हुआ? वेरी गुड। मैंने आपके कहने पर फोन कर तो दिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत समझ में नहीं आई। देखो तहमीना, मेरे ख्याल में फखर बेकसूर है, इसलिए आज उसने तुम्हारा पीछा किया। अच्छा नहीं हो गया कि इस बहाने आज तुम्हारे दिल की बात उस तक पहुंच गई? देखो वो पता नहीं क्या सोचता होगा कि तुम्हारे साथ क्या जोर जबरदस्ती हुई, और यही सोच उसको बेचैन किए रखती होगी। आज तुमसे बात करके, तुम्हारी आवाज सुन के उसकी बेचैनी खत्म हो गई होगी। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हें बेवफा का खिताब दे के दिल के किसी कोने में रख देगा और फिर जिंदगी में मगन हो जाएगा। अरे वाह, एक आशिक के दिल का हाल आप कैसे जान सकते हैं? मेरा भी एक प्यार अधूरा रह गया था। क्या? आपका प्यार? क्यों, मुझे प्यार नहीं हो सकता क्या? कौन थी वो? तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताएं, मुझे भी सुनने का कोई शौक नहीं। अरे नाराज क्यों होती हो, पूरी बात तो सुन लो। मुझे भी एक लड़की से प्यार हो गया था। मैंने उसके घर वालों के यहाँ रिश्ता भी भेजा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा दिल टूट गया। फिर मैं भी फखर की तरह सोचने लगा। मैंने भी अपनी तजलील महसूस की। मैंने बार बार उस लड़की से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता भी नहीं हो सका। पूछोगी नहीं कि आगे क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना। अरे नाराज क्यों होती हो, मेरी बात तो सुनती जा। वो लड़की अब मेरी बीवी है। अदनान जी आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा जी? बस अब मैं खाना लगवाती हूँ, वो खाएं। अपने हाथ से खिलाओगे? जी नहीं, अपने हाथों से खाना पड़ेगा। खाला, अख्ती खाला, अख्ती क्या खाला? है क्या है बेटा? खाला मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, सोचा आपको भी दे दूं। अच्छा तुम आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। खाला दरवाजे की क्या जरूरत है, यहीं से आ जाती हूँ। अरे बेटा तुमने भी दीवारें फलांगनी शुरू कर दी। खाला तहमीना और नाजिया की रवायत को बरकरार भी तो रखना है ना। लाओ मैं प्लेट खाली करके लाती। अरे खाला आप बैठे, बर्तन मैं खाली कराती हूँ। नहीं बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है। खाला क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बल्कि रहने दे, आज से सारे आपके काम मैं करूँगी। और तुम्हारे काम कौन करेगा? खाला खाले तो पूरा पूरा महीना दौरों पे रहते हैं, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। चार चार दिन तो सफाई की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे कौन से बच्चे हैं? अच्छा बेटा परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारी गोद जरूर हरी करेगा। आमीन। अच्छा ये बताओ नाजिया कैसी है, ठीक ठाक है ना? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। चले वहां बैठे, मैं आती हूँ। हाँ मैं खैरियत से पहुंच चुकी हूँ। और लंदन कैसा लगा तुझे? अब तक एयरपोर्ट से घर तक मैंने जितना भी देखा है ना, उफ तहमीना इतना खूबसूरत है मैं क्या बताऊँ तुझे। वहाँ पर तो सब अंग्रेजी बोलते होंगे ना? उफ तहमीना
ना यहाँ का बच्चा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलता है। वहाँ के स्कूलों की पढ़ाई अच्छी होती होगी। जाहिर ही बात है जब अंग्रेज पढ़ाएंगे तो अच्छी होगी। अच्छा मैं बात सुनता है मीना, मैंने तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके नाजिया, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। तू भी अल्लाह। मेरी प्यारी बीवी, अंग्रेजों के बच्चे वैसे ही अंग्रेजी बोलते हैं जैसे हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं। ओह, इतनी सी बात नहीं समझ पाई। अच्छा ये रख। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे हैं। थैंक यू। वेलकम। मैं ये रख कर आती हूँ। वहीद, तुम कहाँ हो? जहन्नुम में। मुझे भी ले जाओ। क्या बकवास कर रही हो? अब तुम हमेशा वहीं रहोगी। नहीं वहीद, ऐसा मत कहो। प्लीज खुदा के लिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा झगड़ा जिशान भाई से हुआ है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो तुम्हारा ही भाई है ना? मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। वहीद प्लीज मुझे आगे ले जाओ। मेरी पहाड़ों भरी जिंदगी को फिजा में मत बदलो। खुदा का वास्ते प्लीज मुझे ले जाओ। एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अपनी अम्मा से कहो कि सारा सामान पैक करके हमारी तरफ आ जाए, जिशान का घर छोड़कर। हाँ मुझे मंजूर है। आप कहाँ जा रही हैं? तुझे इससे क्या? तू अपने काम से काम रख। जा अपने जोरू को जाके ना लोलो पोपो कर। शायस्ता तुम बताओ। अम्मा मेरे साथ जा रही है मेरे घर, मेरे साथ रहेंगी। अम्मा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तू रोक के दिखा मुझे। बस खुदा का, पाल पोस के इतना जवान किया, एक लम्हे को बेगाना कर दिया उस बंदरिया ने। माँ आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि तुम और जिशान हाथ जोड़कर वहीद मियाँ से माफी मांगो। बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। माँ जो कुछ वहीद ने किया उसके बाद भी आप? क्या किया वहीद ने? सारा फसाद तो तेरी जोरू का खड़ा किया हुआ। वहीद जैसा दामाद चिराग लेके भी ढूंढो ना तो नहीं मिलेगा। नान भाई आप क्या चाहते हैं? कि वहीद मुझे तलाक दे दे? बकवास कर रहा है वो। सिर्फ धमकी दी है उसने। हाँ धमकी दी है उसने। अगर वो दो लफ्ज लिख कर भेज देगा तो तू क्या कर लेगा? बिठा के खिला लूंगा, भूखी नहीं मरेगी। है बेगैरत कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा ये दामादों से जितना दबो ना ये उतने ही शेर हो जाते हैं। इनको इनकी औकात में रखो तो ठीक रहता है। हाँ देख रही हूँ मैं। तू अपने लेक्चर रख अपने पास। हाँ या ना में जवाब दे मुझे। हरगिज नहीं। चल रही उठा। अम्मा मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि आप मत जाए। नहीं मैं जरूर जाऊंगी। तूने मेरा दिल दुखाया है। मेरे दिल से कहीं बद्दुआ ना निकले तेरे लिए। चला था। झूठ मत बोलो। क्या सोचा तूने? देख जिशान, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता।
हाँ तू शौकत भाई से खुद बात कर ले यार। बस तू मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, मुझे पूरा यकीन है कि शौकत भाई मान जाएंगे। क्यों आदत यार, मुझे तो तू बाहर ही रख। अच्छा तो है ही डरपोक। लो शौकत भाई आ गए। बड़े दिनों बाद नजर आया। जवाब नहीं दिया था ना? कुछ नहीं शौकत भाई, बस हो मैं जरा घर में बिजी था। इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज आ रही है, क्या ख्याल है? पाकिस्तान ही जीतेगा, पक्की टिप है। कमा ले जितना कमाना है, जितना लगाना है लगा दे। फिर ना कहना शौकत भाई ने बताया। ये जिशान आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। हाँ बोल। कुछ नहीं भाई, बस वो दरअसल बात ये है कि शौकत भाई प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000? क्यों? इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज के लिए पाकिस्तानी जीते। कुछ कमाना है उधार के पैसों से, जुआ जीतते किसी को नहीं देखा। तो एक बार धोखा खाए वो बेवकूफ होता है, और जो एक ही जगह से बार बार धोखा खाए वो डबल बेवकूफ होता है। इसका मतलब है मैं फिर इनकार ही सीख। तो मुझे सिंगल बेवकूफ ही रहने दे। ठीक है शौकत भाई, जैसे आपकी मर्जी। दे देने थे पैसे, सीरीज खेल लेता। राजा याद ही है, पैसे चाहे चोरी के लेके आए, सीरियस जरूर खेलूंगा।